था। एनडीए सरकार का देन है नौकरी देना। नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया, नौकरी के बदले घर लिखाते हैं, ये लोग नौकरी देते, ये लोग ठगने का काम करते थे, खेला होगा, फलाना होगा, फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, ये सब आशा जो है ना छोड़ दे, नीतीश कुमार जी उनके साथ कभी जाने वाले नहीं है। देखिए कानून अपना काम करती है और जब प्रॉब्लम खड़ा होता है तो हल्का फुल्का तो बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट के साथ में सरकार है, हर लोगों के साथ में सरकार है, पूरे राज्य के हित में सरकार काम करती है और मुझे नहीं लगता कहीं इसका कोई दिक्कत हो। विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब हम लोग के साथ थे तो हम लोग नौकरी देते थे, लेकिन अब जो है स्टूडेंट को लाठियां मिलती है। देखिए नौकरी देने की जहां तक बात करते हैं ना, जिस समय नौकरी देने की बात आई थी ये पहले से प्लानिंग था, एनडीए सरकार का देन है नौकरी देना, नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया और ये लोग तो नौकरी के बदले जमीन लिखाते हैं, नौकरी के बदले घर लिखाते हैं, ये लोग नौकरी देते, ये लोग ठगने का काम करते थे और इनके जो मंत्री थे शिक्षा विभाग के वो लापता हो गए थे, उनका दस्तखत तक नहीं किया, ऑफिस जाना छोड़ दिए थे नौकरी के नाम पर। ये लोग कुछ करते नहीं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। एनडीए की सरकार नौकरी देती है और एनडीए के सरकार में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है, एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है और आने वाले दिन में संपूर्ण विकास होगा बिहार का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ता है तो हम लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो ठीक है, वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा ना, काहे फिर उनके लिए परेशान रहते हैं, उनके साथ में जी से पानी टपकते रहता है कि कैसे नीतीश कुमार जी के साथ में चले जाएं, सरकार के खजाने को लूटने का काम करें, 17 महीने का मौका मिला तो बिहार के खजाने को लूटने का काम किए, और फिर काहे इंतजार करते हैं, काहे भ्रम फैलाते हैं कि खेला होगा, फलाना होगा, फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, ये सब आशा जो है ना छोड़ दे, नीतीश कुमार जी उनके साथ कभी आने वाले नहीं है। धन्यवाद। सुभाषवर उन्हीं आचार्य जी ट्यूट किए हैं कि जो दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं, 2023 में चुनावी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले थे कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, तो आज क्यों जरूरत पड़ रही है जमीन? ये नहीं कह रहे ना कि हम ही करवा दिए, ये भी ये लोग कह सकते हैं कि हमारे समय में तय हुआ था, हम ही करवा रहे हैं। देखिए दरभंगा में एम्स पहले से तय था, अभी जमीन अलॉट हुआ है और उसका बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ये पहला स्टेट है जहाँ एक स्टेट में दो दो एम्स होने जा रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा बिहार पर ये दर्शाता है और बिहार पूरे स्पीड से विकास का काम हो रहा है यहाँ पर, ये पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है।